हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिया ड्रेस डिजाइनर में। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस वाली वीडियो में आपको कटिंग बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी पैटर्न के साथ कैसे रेडी करते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ मैंने ब्लाउज के लिए लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक ले लिया है, तो इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो पहले जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे हम लाइनिंग के फैब्रिक पर। तो यहाँ पहले हम ऊपर से आधा इंच पर निशान लगा लेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हम लेंथ का निशान लगाएंगे, जो टोटल लेंथ है वो हमारे 30.5 इंच, तो हम यहाँ 44.5 इंच ले लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले जो हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर हमारा है 6.5 इंच, तो हम यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा 6.5 है और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ हल्की सी गुलाई देंगे। तो यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट हमारी 8.5 इंच, तो यहाँ हमें 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी है 7 इंच, तो यहाँ हमें 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ 1 इंच हम प्लेट का लेंगे, 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ से हम प्लेट का निशान लेंगे, वो लेंगे हम 3.5 इंच। बीच सेंटर पे जो हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ से टक्स पॉइंट का निशान रहेगा, वो रहेगा हमारा 10 इंच पर, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच ले लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से नेक की विड्थ रहेगी, वो रहेगी हमारी 3 इंच, लेंथ रहेगी 6.5 इंच, तो इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ जिस शेप में आप नेक बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। तो यहाँ से आधे इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर को गिराने के लिए और इसे कट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से जो है इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी कटिंग भी हो चुकी है। तो ऐसे जो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो देखिए मैंने फैब्रिक को सेट कर लिया है। तो यहाँ से आप चाहो तो इसे आधा इंच मोड़ सकते हो या फिर आप यहाँ निशान लगा सकते हो। तो हम यहाँ आधे इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी तो उसे हम यहाँ सेट करेंगे। तो यहाँ जो हम चौक से निशान लगा लेंगे चारों तरफ, ऐसे जो हम नेक पे भी निशान लगा लेंगे। और इसे कट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। तो हम बैक वाले नेक को कट करेंगे। अब जो हम यहाँ लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ का निशान लगाने से पहले जो हम आधे इंच पर नीचे निशान लगा लेंगे, हमारा जो टोटल लेंथ है वो हमारी 30.5 इंच, तो मैं 30.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
यहाँ से जो हमारी लेंथ रहेगी नेक की वो रहेगी 11 इंच, तो हम यहाँ 11 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से विड्थ जो लेंगे वो लेंगे हम 5 इंच, तो हम यहाँ 5 इंच पे निशान लगा देंगे। ऊपर से जो विड्थ रहेगी वो रहेगी हमारी 3.5 इंच। तो यहाँ से हम जो लेंथ लेंगे नेक की वो लेंगे हम 2 इंच, तो यहाँ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, हल्की से गुलाई दे देंगे। तो जो यहाँ से विड्थ लेंगे वो लेंगे हम 5 इंच और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ गोल आकार में हम शेप दे देंगे, हम इस नेक को जो है गोल आकार में कट करेंगे। आप अपने हिसाब से अपने नेक को कट कर सकते हो। तो यहाँ से इसे हम कट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से जो है इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी नेक की कटिंग भी हो चुकी है। तो अब जो हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे, तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक को जो है सेट कर लिया है। तो हम अपने फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे इस पर। तो यहाँ फैब्रिक को सेट करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। आई होप कि आपको कटिंग समझ में आ गई होगी। तो स्टिचिंग की वीडियो जो हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, तो तब तक आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। बाय बाय।